और इसी बीच वाराणसी से एक बड़ी जानकारी सामने निकलकर आ रही है। G20 सम्मेलन की काशी में आज पहली बैठक। G20 सम्मेलन का मंत्री वीके सिंह ने किया उद्घाटन। वैश्विक कृषि के विकास का नया रोडमैप होगा तैयार। भारत समेत 20 विकासशील देशों में रोडमैप होगा तैयार। सम्मेलन में कृषि, शिक्षा, अनुसंधान मुद्दों पर मंथन होगा। सम्मेलन में पोषण, खाद्य सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी। जलवायु अनुकूल खेती बढ़ाने संबंधी बिंदुओं पर चर्चा होगी। बैठक में मोटे अनाज, बढ़ती आबादी को लेकर भी मंथन होगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर G20 सम्मेलन को लेकर, जहां पर आज पहली बैठक होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। तमाम इसमें नेता मौजूद रहेंगे और इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर तेज चर्चा होगी। बढ़ती आबादी को लेकर भी चर्चा होगी, मोटे अनाज को लेकर भी मंथन होगा। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की वाराणसी से आपके टीवी स्क्रीन पर। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। प्रशांत, G20 सम्मेलन को लेकर पहली बैठक होने जा रही है, बैठक को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल सत्यम, इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जिसको लेकर बैठक वाराणसी में हो रही है, जो आज 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक चलेगा। आपको बता दें कि इस वक्त 19 देशों के प्रतिनिधि वाराणसी आए हुए हैं, साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके भी हेड आए हुए हैं। मुख्य ये अनाज पर हो रहा है, जिसको देखते हुए WHO WTO के भी हेड यहाँ आए हुए हैं। और विश्व में जो अनाज की कमी कैसे ना हो, कैसे हेल्दी फूड लोगों को दिया जाए, उसको आज शो किया जाएगा, उस पर रिसर्च की जाएगी, उस पर बात की जाएगी। इसका उद्घाटन वीके सिंह ने आज ताज होटल वाराणसी में किया। प्रशांत श्रीवास्तव, जिस तरीके से बैठक हो रही है, किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, वे क्या बिंदु हैं जो अहम हैं? जी बिल्कुल सत्यम, देखिए भारत सरकार काशी के पोषण, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती बढ़ाने का प्रस्ताव दुनिया के सामने रखेगी। जी, इससे कितना फायदा आम जनता को होगा, जो बैठक होने जा रही है और आगे चल के G20 को लेकर जो तमाम देश हैं वहां से जो लोग आएंगे और अपने यहां पर प्लांट डालेंगे, कंपनियां डालेंगे, इससे कितना फायदा होगा आम जनता को? मैं बता दूं सत्य, वाराणसी को ऐसे भी हम सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, तो यहाँ जितनी सांस्कृतिक चीजें हैं उनको तो वो घूमेंगे ही। साथ में G20 बैठक हर साल होती है, लगभग 100 सालों से हो रही है। तो भारत व्यापार इस बार मेजबानी मिली, तो भारत अपना पूर्णता तैयारी सामने देश के सामने आया। बाकी बता दें आपको, यूरोपियन जितनी कंट्रीज है, साथ ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के भी जितने प्रतिनिधि वाराणसी आए हुए हैं। मुख्य इसमें बिंदु रहेंगे कि विश्व को आने वाले समय में जो फूड फैसिलिटी पूरी मिले उस पर इसमें काम किया जाएगा। साथ ही जो हेल्दी अनाज कैसे ग्रो किया जाए, साथ ही जो साइंटिफिक चीजें हैं हेल्थ को लेके, इन पे भी चर्चाएं होगी।